मात्र आधा घंटा हुआ है अभी तक वोटिंग शुरू हुए और ईवीएम में खराबी की खबर यहां पर सामने आई है उधम सिंह नगर से, जहां पर सीएम धामी को भी वोट कास्ट करना है लेकिन उससे पहले ही ईवीएम में खराबी की शिकायत। तो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उस बूथ पर, पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हुई है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आज वोट डालने जाना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, वो पांच सीटें जो कि बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। 2014-2019 में बीजेपी ने इन सभी सीटों को जीता था जिसमें टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये पांच सीटें जहां पर बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी रण में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बार नया प्रयोग किया है, कुछ नए चेहरे जिनको इस बार मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे में देखना यह बहुत जरूरी हो जाएगा कि नतीजे किस तरह के सामने आते हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से, थोड़ी देर के बाद जहां जिस पोलिंग बूथ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वोट डालने के लिए पहुंचना था उस पोलिंग बूथ में ईवीएम में खराबी आई है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत वोट कास्ट कर रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। वीरेंद्र रावत, हरीश रावत के बेटे, हरिद्वार से टक्कर दे रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। देखिए सुबह सुबह का समय है, बाहर के अपने मुद्दे होते हैं लेकिन राष्ट्र के नाम पर सबका वोट, धर्म के नाम पर सबका वोट एक तरफ चला जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी जीत पक्की बता रही है। एक तरफा मतदान 2024 लोकसभा चुनाव को बता रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत वोट डालने के लिए पहुंचे हैं लेकिन एक और बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं इसके साथ, उस पोलिंग बूथ में ईवीएम में खराबी हुई है जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। थोड़ा नीचे करो, आईडी नीचे करो, थोड़ा बहुत ऊंची है। सर वोट कास्ट कर दिया है, कौन है यार? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारा डिफेंस कॉलोनी जो वार्ड है ये टिहरी लोकसभा में पड़ता है और मैंने परिवार से ही यहाँ पर मतदान कर लिया, मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों बेटियाँ, तो बहुत खुशी हो रही है, पांचों लोकसभा जीतेंगे। और लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करेंगे कि जिस उत्साह से हम अपने पारिवारिक फंक्शन जब मनाते हैं, बच्चा जीतता है, बच्चा पढ़ाई में अव्वल आता है, उसके लिए हम लोग पूरा भरपूर प्रयास करते हैं, 100% एफर्ट्स उसके लिए करते हैं कि बच्चा हमारा सुयोग्य बने, तो हम देश के भविष्य को चुन रहे हैं और इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि 100% मतदान के लिए हम लोग तैयार हों ताकि देश को अच्छे प्रतिनिधि मिल सके। रुझान कैसे मिल रहा है, रुझान क्या है अभी तक का, एक घंटे में कुछ देखा होगा? अब देखिए अभी जो बातचीत मेरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 6 बजे से पहले, कहीं 5:30 बजे कुछ ने मुझे जगाया सुबह 5 बजे, तो सब कार्यकर्ता यथास्थान जहां पर उनकी ड्यूटी लगी वहां पहुंच गए हैं। अन्य दलों की अभी कई जगहों पर उपस्थिति ही दर्ज नहीं हो पाई और जहां पर मैं हूं यहां पर भी अन्य दलों का कोई भी बस्ता तक यहाँ पर नहीं लगा है, कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है, तो उसे अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बाद फिर अपील की है कि देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें और जिसके सही, जो आपको सही लगता है उसको आप मतदान करने के लिए जरूर पोलिंग बूथ पर पहुंचे। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं इस समय की, रामनगर में पोलिंग अफसर की तबियत बिगड़ी है। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रामनगर में पोलिंग अफसर की तबियत बिगड़ी है। शिवपुर बेलजुड़ी में अफसर की तबियत बिगड़ी है, ऑफिसर की तबियत खराब हो गई है, पोलिंग ऑफिसर हैं ये जिनकी तबियत खराब बताई जा रही है। पोलिंग ऑफिसर वाला हूँ अपनी लोकसभा क्षेत्र में, अब अपने बूथों पे जाकर देख